मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल बनने लगा है। नेता और उसके समर्थक दोनों ही अपनी पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं। वर्तमान विधायक रवि जोशी को उनके समर्थकों ने 10 में से 8 अंक दिए हैं, तो वहीं भाजपा समर्थकों ने फिर जीत की आस जताई है। आज की हमारी रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई है, जिसमें हमने खरगोन विधानसभा के ग्राम ऊन में तैयार किया है, तो आइए देखते हैं दिनेश दसौंधी के साथ हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसौंधी और एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। मध्य प्रदेश में चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। नेता और उनके समर्थक जनता के बीच अपने दावों और वादों के साथ पहुंचने लगे हैं। किसके सर होगा ताज और कौन करेगा जनता पर राज, ये भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न भी है। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि जनता खुद अपने पर राज करने वाले व्यक्तियों को चुनती है। नेता और उनके समर्थक इस चुनाव को लेकर, इस विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सभी के अपने जीत के दावे हैं। आज हम खरगोन विधानसभा के ऊन गांव से आपको दिखाएंगे कि नेताओं और आम जनता का इस चुनाव को लेकर क्या कहना है, और आम जनता और नेता और उनके समर्थक इन विधानसभा चुनाव में किसकी जीत को पक्का मानते हैं, ये जानने के लिए आज हम आपको ऊन लेकर चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं पनवाड़ा रोड पर, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हो सकती है। इस बार फिर बीजेपी जीते रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भाजपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश? बिल्कुल बनेगी। अच्छा, खरगोन की क्या स्थिति रहेगी? खरगोन की 6 की 6 विधानसभा जीत रहे हैं हम। और खरगोन विधानसभा का क्या रहेगा? खरगोन विधानसभा भी जीतेंगे। अच्छा, आपके विचार से किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट अभी तो हाईकमान जारी करेगी, जिसको भी देगी उसको। फिर भी आपके विचार से कौन पात्रता रखता है? पात्रता तो पूर्व राज्य मंत्री जी को ही मिलना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण जी पाटीदार? हाँ। अच्छा, यदि बालकृष्ण पाटीदार जी के अलावा दूसरे किसी को टिकट मिलता है तो आपका रुख क्या रहेगा? हमारा रुख, हमारे लिए तो पार्टी सर्वोच्च है। अच्छा, पार्टी को देखकर। क्या नाम लिखते हैं आप? जितेंद्र मंडल। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। क्या नाम आपका? अजय पाटीदार। इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, किसका बहुमत रहेगा? कांग्रेस का बहुमत रहेगा और कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। कांग्रेस की कैसे बनेगी और क्यों बनेगी? कांग्रेस ने सरकार में आते ही किसानों को कर्ज माफी की थी और फिर खरीद फरोख्त के कारण सरकार गिरा दी गई थी, और इन्होंने कुछ भी काम, भाजपा ने कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस ने ऐसा कुछ क्या काम किया है? कांग्रेस ने कर्ज माफी में काम किया है और अभी नारी सम्मान योजना में भी 1500 रुपये डालने का वादा किया है कमलनाथ जी। कांग्रेस कहती है कि गैस की टंकी 500 रुपये में देंगी, कैसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी गैस की टंकी 500 रुपये में कर दी गई है और मध्य प्रदेश में भी सरकार आते ही करेंगे। मतलब ये पक्का वादा है? बिल्कुल पक्का वादा। खरगोन का क्या रहेगा इस बार? खरगोन में किसकी जीत हो सकती है, किसका क्या रहेगा? खरगोन में अभी वर्तमान विधायक रवि जी जोशी है और आगे भी उनकी विधायक वही बनेंगे और 6 विधानसभा में हम जीतेंगे। अच्छा, तो रवि जोशी जी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनसे आप प्रभावित हैं? रवि जोशी जी ने बहुत काम किए हैं और कर्ज माफी में भी बहुत से गाँव, मतलब उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किए हैं, लेकिन सरकार गिरने के बाद कुछ अब कर नहीं पाए, भाजपा ने सरकार गिरा दी थी। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आप रवि जोशी जी को कार्यों को देखते हो, 10 में से उन्हें कितने अंक देंगे? उनको 8 अंक तो बिल्कुल देते हैं। मिलते हैं 8 अंक मिलते हैं। क्या नाम है आपको? अजय पाटीदार। हम खड़े हैं उनके रेस्टोरेंट में, एक होटल में, जहाँ लोग अधिकतर घंटों अखबारों की खबरों और राजनीति पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा, इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी खरगोन जिले से, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और हमारे माननीय देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे विकास कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर नल जल योजना चल रही है, चालू हो गई है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। क्यों? उनके कार्य एकदम साफ सुथरे रहते हैं बीजेपी के, और उसमें मिलावट नहीं रहती किसी प्रकार की। तो आप भाजपा की सरकार बनेगी ऐसा क्यों मानते हैं? काम अच्छे है ना, जो योजनाएं लागू की है वो गरीबों के हित के लिए है। कौन सी योजनाएं लागू की है? नल जल योजना, लक्ष्मी लाडली योजना, लाडली बहन योजना, और किसानों के हित में है वो।
बगैर ब्याज का पैसा ले रही है भारत के अंदर किसानों के हित में। तो कमलनाथ जी ने कर्ज माफी कहा था, फिर कांग्रेस भाजपा किसानों के लिए क्या कर रही है? वचनबद्ध रहे नहीं, वो तो धोखा किया उनने किसानों के साथ। अच्छा, तो किसान वाले सरकारों को थोड़ी बिठाएंगे। किसानों के लिए शिवराज सरकार ने क्या किया है? 0% ब्याज, ये सबसे बड़ी राहत है। पहले पिछली सरकार, पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, जब 12% ब्याज लगता था, चद्दर खिंचाते थे, बैलगाड़ी खिंचाते थे, ये मामला नहीं हो रहा है शिवराज सिंह के शासन में। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार खरगोन में कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी? खरगोन में जीतेगी भाजपा। खरगोन विधानसभा? हाँ, विधानसभा। खरगोन विधानसभा में भाजपा जीतेगी? हाँ। ऐसा क्यों? बालकृष्ण पाटीदार ने जो योजना सामुदायिक भवन समाजों को दिया, समाज का उत्थान किया, उसमें 100% शुद्धता रही, 100 की 100 राशि मिली है। तो क्या इस बार बालकृष्ण पाटीदार को टिकट मिलेगा? मिलना चाहिए। अच्छा, वो हाईकमान जो भी करे उसके साथ में हम हैं। अच्छा, आपके विचार से किसको टिकट मिलेगा? मिलना तो चाहिए बालकृष्ण पाटीदार को। अच्छा, और उसके बाद में अगर हाईकमान ने किसी और किसी को दिया तो हम चौकटे के अनुबंधित नहीं है, हम पार्टी के अनुबंधित है। अच्छा, आप भाजपा समर्थक हैं? हाँ, समर्थक। तो आप किसको वोट देंगे, किस किस व्यक्ति को मानते हैं, किसको क्या करेंगे? नहीं, किसी को नहीं, हाईकमान ने जिसको भी टिकट दिया हम उसी के साथ में। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? संतोष पाटीदार। आपका नाम? मांगीलाल पाटीदार। कि अपनी अलग अलग राय है, हमारे साथ एक शख्स और जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? तालग्राम मौर्य। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी? देखो, इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें लग रहा है कि परिवर्तन की लहर चल रही है, और ये परिवर्तन की लहर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से हमें देखने को मिली है। और कर्नाटक का चुनाव परिणाम अगर हम देखते हैं तो उससे तो ये लगा है कि जहाँ कर्नाटक की स्थिति जैसी रही है और जितने अच्छी लीड वहाँ से मिली है, वैसा का वैसा मध्य प्रदेश में भी रुझान रहेगा और सत्ता परिवर्तन के 70% मामले हैं। मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमारा 70% दावा है। खरगोन विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी? खरगोन विधानसभा की स्थिति को लेकर हम ये है कि अभी जो वर्तमान विधायक महोदय हैं माननीय श्री रवि भाई जोशी जी, इन्हीं को आगामी चुनाव के लिए भी उम्मीदवार घोषित किया जाएगा और टिकट भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उनकी प्रचंड विजय भी होगी, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए, मतलब आपकी पहली पसंद रवि जोशी जी? पहली पसंद रवि जोशी। इसके बाद यदि रवि जोशी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या स्थितियाँ बनेगी? देखो, स्थिति बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 70% रुझान रवि भाई के पक्ष में है और विधायक उम्मीदवार भी रवि भाई जोशी को ही तो नियुक्त किया है। जैसे विधायक महोदय रवि जोशी जी के आप कार्यों की सराहना करते हैं, तो आप उनको 10 में से कितने अंक देंगे? उनके कार्यों की सराहना करते हुए हम ये मानते हैं कि उनको तो वैसे 10 में से 10 अंक मिलना चाहिए, फिर भी 8 अंक उनको देना चाहते हैं। धन्यवाद। तो ये थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव करके हमारी विशेष रिपोर्ट। आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ नीरज दसुंदी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।